हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिलहाल कुछ फैसले आए थे प्रॉपर्टी को लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को की तरफ से। तो आज हम वही जानने वाले हैं कि जैसे जो शादी के बाद जो लड़की होती है उसका क्या प्रॉपर्टी का राइट होता है, क्या वो संपत्ति अपनी बेच सकती है, कैसे उसको अपनी संपत्ति प्राप्त होगी, या फिर जो बेटियां हैं उनको क्या संपत्ति के जो अधिकार हैं उनके क्या हैं, उनको कौन सी प्रॉपर्टी है जो उनको मिल सकती है, कौन से जो राइट्स हैं जो वो अपने यूज़ कर सकती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आज हम उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो ये पूरे लीगल अपडेट्स है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या बहू का ससुराल की संपत्ति पर अधिकार होता है। अगर होता है तो कानून क्या कहता है, और नहीं होता तो भी कानून क्या कहता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें हाल फिलहाल में फैसला आया है, तो इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल में फैसला दिया कि जो बहू ज्वाइंट हिंदू फैमिली के सदस्य है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जिसको हम HUF भी बोलते हैं, पर लेकिन समान उत्तराधिकारी नहीं है और बहू का अपने ससुराल की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बाद कहा, ज्वाइंट फैमिली में अगर उसके हस्बैंड ने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उसमें उसके वाइफ का जो है राइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और बहू जो है ससुराल की संपत्ति पर अधिकार अपने पति के माध्यम से ही ले सकती है, वो खुद अपना अधिकार नहीं जता सकती। अगर हाँ वो खुद की स्वेच्छा से देना चाहे तो वो एक अलग बात होती है, पर वो खुद के अपने राइट चूज नहीं कर सकती अगर ससुराल की संपत्ति है। पर अगर उसके हस्बैंड ने वो वही प्रॉपर्टी बनाई हो तो वो अपना जो है राइट यूज कर सकेगी। सास ससुर के निधन के बाद उनकी संपत्ति में बच्चों का अधिकार होगा, बहू उस हिस्से की हकदार होगी जो उसके पति के हिस्से में आया है, ना कि वो सभी के हिस्सा अपना, मतलब अलग से हिस्सा कोई नहीं ले सकती, जो उसके पति के हिस्से में आया है सिर्फ वही वो अपना अधिकार है और जो हक है वही सब सिर्फ ले सकती है। बहू को घर में तब तक रहने का अधिकार है जब तक उसके वैवाहिक संबंध है। विधवा बहू का अपने पति की बनाई गई संपत्ति पर पूरा अधिकार है, ना कि अपने सास ससुर की संपत्ति पर। सास ससुर की संपत्ति पर केवल उसके पति का अधिकार होगा, ना कि बहू का। उसके बाद आता है कि भारतीय कानून में बेटियों का क्या उत्तराधिकार है, मतलब वो कौन सी संपत्ति की जो है हकदार होंगी, कौन सा अपना राइट यूज कर सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वही हम देखेंगे। इसमें आया हाई कोर्ट का निर्णय कि पिता की जो बनाई गई संपत्ति में बेटियों का समान अधिकार होता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो तो भी उसमें बेटियों का समान अधिकार पाया जाता है। बिना वसीयत पिता की मृत्यु होने पर भी बेटी की संपत्ति पर समान अधिकार बताया गया है। अगर वसीयत नहीं बनाई गई है, मतलब विल प्रॉपर्ली अभी बनाई नहीं गई है या फिर बनाने वाले थे कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो भी बेटी का संपत्ति पर समान अधिकार बताया गया है। विवाहित बेटी भी पिता की संपत्ति में बराबर के अधिकारी बताई गई है, चाहे वो विल में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर किसी एक पर्सन के नाम ही पूरा कर दिया गया हो तो भी जो है इसमें बेटी है जो अपना अधिकार मांग सकती है। और जो पैतृक है, पूर्वजों की संपत्ति है, उसमें भी विवाहित बेटी का समान अधिकार होता है। तो मतलब चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, बेटी का बराबर हक है। जो अपनी पैतृक संपत्ति हो चाहे पिता की संपत्ति हो, सभी में उसमें अधिकार बताया गया है। आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।